सलाम आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राम त्रुत। मैं हूं इजहार अहमद। आज मैं पटनिया पंचायत के ग्राम राजवनी के अंदर मौजूद हूं और इस वक्त जो है एक समिति के प्रत्याशी जो है जीत कर आए हुए, उन्हीं का सेलिब्रेशन चल रहा है, लोग बहुत खुशी में हैं। तो मैं समिति जी से मिलूंगा और उनसे कई सारे सवाल के जरिए से मैं जानने की कोशिश करूंगा, कितने वोट से जीते, कितने कम्पिटिटर थे। इन सारी चीजों को जानने के लिए मैं अपने चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राम त्रुत में उनका स्वागत करता हूँ। आपका मेरे चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राम त्रुत में स्वागत है। और शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ कितने लोग कंपटीशन कर रहे थे, कितने लोग थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आदमी को अस्सलाम वालेकुम बताता हूँ। जो है ये जो है अभी जो भी ये जीत जो है ये हमारी जीत नहीं है, ये पूरे आवाम पूरी जनता की जीत है। ये किसान साहब की जीत नहीं है, साहब के पास इतना ताकत नहीं है कि जो ये जीते। जब तक पूरी जनता की सहयोग नहीं होगी तब देश से नहीं जीत पाएगी। और अभी जनता की सहयोगी से जनता के सहयोग काम होगा। अच्छा, कितने वोट से आप जीते हैं और आपके साथ कंपटीशन में कितने लोग थे, कितने लोग खड़े हुए थे आपने? लगभग मेरे सात छह कैंडिडेट थे। वोट से जीते हैं। और दूसरी बात मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पब्लिक भी है बहुत सारे, तो मैं पब्लिक लेना चाहूँगा। थोड़ा जीत है मेला में भागीदारी हमारे दादा हुए, उन्होंने काफी संघर्ष किया। और मैं सबसे बड़ा है कि बिना रुपया बिना खर्चा किए जनता मत जो हुआ है इस पंचायत में वो सिर्फ इजहार साहब को हुआ है। और दूसरी बात, जैसे ये ईमानदार है और सबको उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा अलग होगा, निजीकरण होगा काम के मामले में, और काम बहुत ही अच्छा करेंगे। पहले भी करते थे, जनता से जुड़े हुए थे और अब भी करेंगे। मैं कुछ और लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं ये इनसे पूछता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं इनकी जीत को लेकर? हम लोग को सब बहुत खुशी मिला जो हमारे इजहार साहब जीते, और यहाँ की जनता से आप देख सकते हैं कितना यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। काफी ईमानदारी के साथ बगैर पैसे खर्च किए हुए इसने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी लोग खुश हैं, काफी दर्शक खुश हैं, मैं उसी में से एक हूँ। चलिए, ये अच्छी बात आपने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि पंचायत चुनाव में आपने कहा बगैर पैसे खर्च किए हुए, एक बड़ी समस्या कि लोग पैसे पे वोट करते हैं और इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे ये किया है। जबरदस्त आप देख रहे होंगे कि लोग आके गले मिल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम भी ऑलरेडी इजहार है और लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी की बात मैं इनसे पूछ लेता, उसके बाद मैं जो है खत्म कर बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या था? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल छाप था। नारियल छाप था, एक नंबर थे। और दूसरी बात ये है कि एक बात बताए कि आपने कुछ विकास का मुद्दा क्या रखा था लोगों के सामने? पहले जो विकास का मुद्दा मेरा बिजली का काम था जो 5 वर्ष पूरे जनता के बीच में। जी जी। दूसरा जो है अंतिम तक जो है ये चुनाव से पहले जो भी है ये इससे पहले आप नहीं जीते हुए थे, तब भी जमीन की सतह पे आपने काम किया, जनता ने आपको सपोर्ट किया है। 5 वर्षीय में ये बैठे नहीं हो, काम करते रहे। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह कभी फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मैं जो है इस वक्त जो है राजमणी में ही हूँ और समिति को लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। क्या क्या मुद्दा रहा है, किस तरीके से लोगों ने उनको जिताया है वो मैं जानने के एक शख्स है उनसे भी जानने के, उनके जो समर्थक है उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि समिति जो आपके यहाँ से जीत गया इजहार साहब, क्या वजह रही है, क्यों जीते वो? सर, उनका जो काम काज वो बहुत अच्छे से वो अपना निभाए बगैर किसी पद पर रहे हुए, जिनको जिनकी वजह से उनको लोगों ने चाहा और लोगों ने अच्छे बहुमत से उनको जिताया, और आगे भी वो अच्छा ही करेंगे क्योंकि ईमानदार और वो अच्छे इंसान है।
कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है और अच्छे से काम भी करेंगे, विकास का भी काम होगा उनके रीजन में और बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कभी आपके इलाके से जो है कोई समिति पद के प्रत्याशी या किसी पद के जीते हैं या पहली बार है? नहीं, हमारे गांव से इससे पहले कोई नहीं जीता है। इससे पहले जो थे हमारे बगल के गांव के थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिसका नतीजा इस मरतबा वो चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर, मतलब कहने के लिए ये भी एक इतिहास है, इतिहास रचा गया इस गांव में। इससे पहले कभी कोई नहीं जीते समिति पद के लिए, मगर इस बार जीते हैं ये, जब से पंचायती राज सिस्टम आया उसके बाद से। तो ये खुशी की बात है इन लोगों के लिए, तो बड़ी खुशी है। कुछ और लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि भाई जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने कुछ विकास का मुद्दा क्या रखा था, क्या सोचा था, आप किस बुनियाद पर वोट किए इनको? ये इससे पहले पद पे नहीं थे, फिर भी इन्होंने बहुत काम किया पद पे ना रहते हुए। तो यहाँ की पब्लिक ने सोचा कि जब ये पद पे नहीं है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर इनको हम चुन के आगे भेजते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये इनका सबसे मेन मुद्दा बिजली को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यही सोच इनको आज जिताई है बड़ी खुशी पे बैठे। चलिए और भी मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कि आपसे जानता हूँ कि आप बताइए, बाहर लोग कैमरा में नहीं आना चाहते, कुछ लोग खैर कोई बात नहीं, बाहर अच्छा बाहर के हैं चांद, तो आपसे पूछना है, आप बताइए चांद। तो मेरी कोशिश है कि मैं कुछ और लोगों से लूँ, चलिए एक साहब और है उनसे मैं जुड़ गया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके नजर में क्या विकास का मुद्दा रहा कि आपने इजहार साहब को जिताया है? पहली बात मुबारकबाद देते हैं, जीते हैं इंशाल्लाह, उनसे पूरी उम्मीद है हिंदू मुस्लिम एकता रहेगा यहाँ पे, और जो भी काम होगा विकास का काम इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। ऐसा आपने कहा विकास का काम, विकास के मुद्दा में आपने कुछ चीजों को शामिल किया होगा, कुछ चीजें आपके जहन में रही होंगी, सोचे होंगी? क्योंकि सबसे पहले तो बिजली काम किए थे, उसके बाद रोड है, नाला है, बहुत सारा योजना है, इंशाल्लाह देखेंगे मुस्तकबिल में क्या करते हैं, पूरा। चलिए अच्छी बात, इन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में ये देखना चाहते हैं, भविष्य में क्या काम होता है, जो भी योजनाएं आती हैं उनको जमीनी सतह पर उतरवाने की लोग कोशिश करेंगे। ये इनकी अच्छी सोच है, किसी सोच के साथ जिताए हैं, मेरी जो शुभकामनाएं इनके साथ है और इनके क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा काम हो। आप सबका दुआ सब ग्रांत से जुड़ने के लिए धन्यवाद।